सभी पशुपालक भाइयों को मेरी ओर से राम राम। पशु के जेर गिराने के लिए और बच्चेदानी की सफाई के लिए सर्वोत्तम औषधि यूट्रामैक्स, जो कि बहुत अच्छी औषधि है, और ब्याने के बाद अपने पशु को 200 ml सुबह और 200 ml शाम को पिलाएं और अपने पशु को पूरे दूध पर लेकर आएं। धन्यवाद। राम राम भाइयों, अभी मनु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई एक जो स्टार खिलाड़ी और भाई योग स्टार, इनका तो सारा परिवार स्टार खिलाड़ी से भरा हुआ पड़ा है, तो आइए आपकी मुलाकात करवाऊँ भाई साहब रणदीप छाजू गड्डी। राम राम पहलवान। राम राम भाई साहब। और ठीक ठाक है? ठीक ठाक है भाई साहब। तो पहलवान जी एक बात बताओ, स्टार खिलाड़ियों के परिवार में जन्म लेने के में कैसा अनुभव हो रहा है, क्या मतलब महसूस हो रहा है? लोग कहोगे भाई विजेंद्र छाजू गड्डी भतीजा है, सुरेंद्र का मतलब लड़का है, तो कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है भाई साहब, मैंने कबड्डी के परिवार में जन्म लेके कि मैं कबड्डी से जुड़ा हुआ हूँ। तो पहलवान जी कितनी एज होगी आपकी? मेरी 19 साल उम्र। और कौन सी क्लास मतलब कितने पढ़े लिखे हो? बीए सेकंड ईयर। अभी पढ़ाई चल रही है? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हो पहलवान जी? मैं सोनीपत सीआरए कॉलेज, जाट कॉलेज। तो हाइट कितनी है पहलवान जी? 6'2" और वेट कितना है? वेट मेरे में 96 किलो। पहलवान जी कबड्डी जैसे आपका परिवार सारा ही खेला है, तो उन्हें देख मतलब घुस गए या अपना खुद का मन नू था भाई मैंने कबड्डी खेलना है या कोई दबाव? जी कुछ तो मेरी भी रुचि थी जी, कुछ मैं खेलते हो देख कर मुझे कबड्डी बहुत अच्छा गेम लगा, इसलिए मैं कबड्डी खेलने लगा। कितने साल हो गए? मैं 3 साल हो लिए। तो जब स्टार्टिंग होगी बढ़िया परिवार था भाई, कोचिंग भी करते ही मिली या कहीं बाहर से ली? ना घर से ही मिली जी। तो आप अपना गुरु किसको मानते हो? विजेंद्र छाजू गड्डी को मानता हूँ जी। तो जब भाई बढ़िया प्लेयर हो गए तो बेस्ट मिलने भी शुरू हो गए होंगे, याद है पहला बेस्ट कितना मिला था? हाँ पहला बेस्ट में फरमाना मिला था जी, लीग हो रही थी उसमें मोटरसाइकिल जीती थी। तो जो बाइक जीती थी, जिस दिन बाइक जीती, परिवार का और आपका जो मतलब भाई कैसा महसूस हुआ आपको, और भाई क्या लगा भाई परिवार वाले ने आपके साथ किसा बिहेव करा उस दिन, भाई कितने राज्य हुए, तो वो एक बार बताओ प्लीज। मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन मैं बेस्ट आया, और मेरे परिवार को भी ज़्यादा खुशी थी कि कुछ कामयाबी मिली गेम में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था जी। जैसे रणदीप भाई परिवार में सारे कबड्डी वाले हैं, तो कोचिंग करते ही मिलती रहे, क्या एक आधी डांट खाने का भी मौका मिला है? डांट भी मिलती है जो गलत करते हैं, तो नहीं तो कोचिंग घर से ले, तो अकेडमी हमारी बब्बा दूध हजारी अकेडमी गड़ी साजू में, वहीं पे कोचिंग लेते हो? हाँ वहीं पे कोचिंग लेते हैं। कितनी मेहनत करवाते हैं पहलवान जी दोनों टाइम? 2-2.5 घंटे सुबह जी और 3 घंटे शाम ने। तो जैसे डाइट किस तरह की लेते हो आप? डाइट दूध दही अंडा और चिकन, ये नॉर्मल चीज़ लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं जैसे बस्सी अपने घर वाला सब कुछ। तो पहलवान जी जैसे भाई हर पहलवान का एक कोई भाई बेस्ट आ रहा है, रणदीप का बेस्ट कौन है, कौन सा कैचर रणदीप ने इतना बढ़िया लगा जिसकी कैच जो जिस तरह से कैच मारा है वो टेक्निक पसंद आई? विजेंद्र छाजू गड्डी जी, जिसको मैं अपना गुरु मानता हूँ, बेस्ट कैचर लगे मुझे, इसलिए मैं उनकी तकनीक पे कैच मारता हूँ। तो उनकी जो टेक्निक है कैच मारने की वो बढ़िया लगा? हाँ जी। वो यूज करते हो? हाँ करता हूँ कई बार, और सफल भी होती है। और रेडर कौन सा बढ़िया लगा? विनय खत्री जी, करक जिटान से। विनय खत्री का कैच मारी? ना कैच तो मारी नहीं जी, बाकी मेरा मैच 2-3 बार आया, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सभी रेडरों को मैं कैच मार चुका हूँ, एक ओनली विनय खत्री जिसको मैं कैच लगा हुआ। तो कौन सी ऐसी टीम है जिसकी अब जो जैसे बाब छाजू गड्डी की भी बढ़िया टीम है, तो कौन सी ऐसी दूसरी टीम है जिसके साथ कांटेदार टक्कर लगा है? टीम तो सभी जी सभी अच्छी टीम है, बाकी मैच आ जाता हमारा कई बार, जैसे गुआंड की टीम हो जो रस्सी हो उसके साथ जबरदस्त लग गया, जैसे और भी हरियाणा की बहुत सारी टीम है जो मैच तो सबके साथ टाइट लगाते हैं। जैसे भाई टाइट मैच खेलना पसंद है या लूज? टाइट मैच खेलना पसंद है, या खिंचवा मैच जिसमें नाम भी हो और अच्छे अच्छे प्लेयर हो उनको कैच लाए और ज़्यादा नाम हो। कोई एक मैच आज तक अपनी 3 साल के करियर का याद है जो काफ़ी टाइट रहा है और जिसमें खेलते ना मज़ा आया, याद रहेगा? हाँ जी, कुछ 2 साल पहले था मैच जटखेड़ी में, राजपुरा बहन के साथ मैच था, उसमें कैच मारी थी 12 राजपुरा बहन ने, 11 हमने, जिसमें मैंने 8 कैच मार रखी थी जी, बहुत ज़्यादा टाइट मैच था। इस तरह के मैच खेलने में मज़ा भी आता होगा? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उससे नाम भी होता है प्लेयर का, आगे तक तगड़ा मैच खेल लिया उससे प्रोग्रेस भी बढ़ती है।
बहुत बढ़िया बात है भाई, टाइट मैच में खेलना भी और मजेदार बात है। तो जैसे भाई मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ, रणदीप इतने साल तक खेलने लग रहा है, 3-4 साल तक कबड्डी जगत का कोई खास यार दोस्त बनाया? हाँ जी, यार दोस्त है जैसे लाल भी है, अंकुश है, अजय मलिंगा है, राहुल है, छाजू गढ़ी, प्रवीण है, कुंभे वाला, पठान गोरखपुर है, सारे का नाम बता दिया। हाँ सारे जी, सारे पक्के दोस्त हैं। पक्के दोस्त है जी। वो पहलवान जी जैसे भाई ईब खेलो हो पूरा जड्डा है, तो इस जड्डे में कितनी प्रैक्टिस कर पाओ? जड्डे में चाहे मुझे खेल जाना हो या ना जाना हो, मैं सुबह शाम को मेहनत करके आता हूँ जी। आज जैसे सुबह जाना है तो सुबह जाके एक आधा एक घंटा ना रनिंग, तो शूट शाट लगा के जब आता हूँ गेम। जैसे भाई मैंने एक बात का बेरा लगा भाई, कितना भी तुम खेलने जाओ हो तो आपके जो पिताजी हैं सुरेंद्र पहलवान जी, वो हर जगह आपके साथ जाते हैं, क्यों? हाँ जी, सारा साथ जाए। हाँ सारे के साथ जाते जी। तो जैसे भाई और तो कोई इस बात ना माने ना माने, लेकिन आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी तो आपको डोप वोप तो नहीं करने देते होंगे? ना जी, करने नहीं देते। आप इस तरह बात करो, करने का मन है के? ना ना, मन तो नहीं है जी, बाकी वो तो सख्त नफरत करते हैं सदे। बिल्कुल भी मना कर रखा भाई, कबड्डी खेल तो खेल, नहीं हो काम नहीं कर। हाँ जी। तो जैसे भाई 19 साल की एज होगी, तो ये भर्ती वर्ती है कि भी थोड़ी तैयारी करिए और पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए रणदीप, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी, पढ़ाई भी जरूरी है और नौकरी भी जरूरी है, नौकरी के लिए तो गेम कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया बात है। वैसे देखो ये एक दुर्भाग्य हमारे देश का कि गेम, क्या बात बोली है पहलवान जी ने भाई, नौकरी के लिए गेम कर रहे हैं, ये सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए। सोचो एक स्टार खिलाड़ी एक है भाई, नौकरी के लिए गेम कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी के लिए जो खिलाड़ी हैं वो तरसा रखे हैं। और भाई सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, इन पहलवानों को या कोई भी जो भी गेम करता है, जितने खिलाड़ी हैं उनका ध्यान दो और उनको भाई नौकरी दो, बहुत बढ़िया लगेगा भाई। यह बात है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनको नौकरी दो। तो बहुत बढ़िया लगे भाई रणदीप आप तो बात करके, और भाई फिर कदी न कदी तक आ जाए तो दोबारा आपका इंटरव्यू करेंगे। तो आपको रणदीप के तो विदेश वदेश में जाने का भी कोई नंबर ईपसी लग गया है, कोई भाई ऑफर है? ना जी, ऑफर तो नहीं लगा अभी, बाकी मैं अपना प्रदर्शन करूंगा तो मैं ऊपर जाने का भी, विदेश में जाने का भी मुझे मौका मिलेगा जरूर। राम राम भाई। राम राम। और ठीक ठाक राहुल? ठीक है। राहुल जैसे भाई स्टार टीम का हिस्सा हो, घर की ये टीम है भाई, जैसे मर्जी खेल ले, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, जैसे जी करे वैसे खेल लो, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। के मन में तेरे भी एकदम कबड्डी में 2-3 महीने तो दिखा है? मेरे मन में शुरू तो थे, पर मैं पढ़ा करता, पढ़ाई तो भी करूँ, पर मेरा ये भी खेला जान का जी करा। कौन सी क्लास में? 12वीं में। 12वीं के पेपर दे होगा? हाँ। पढ़ाई पे ध्यान रखिए, देखिए कदे फेल हो जाए ना, पूरा ध्यान। अरे 2-3 महीने में जैसे ईशा के एक कदम 12वीं तो करे ले, बाद में आ जाए। करूँगा 12वीं भी करूँगा, 12वीं तो करनी जरूरी है। तो आप कोचिंग, आपको कोचिंग कौन दे पाओ है, सुरेंद्र पहलवान जी या विजेंद्र पहलवान जी? सुरेंद्र विजन दोनों देने। दोनों दे। हाँ। 2-3 महीना में तड़ाक खाने का नंबर आया ना? एक मेरा नहीं आया। मतलब कोई गलती करी है, एक आधा तड़ाक लग गया ना? मेरे लग गया कदी को तड़ाक लग गया? हाँ मेरा कई बार प्रैक्टिस में मौके आई थी तड़ाक भी, वैसे भी ग्राउंड में जो गलती कर रहा है तो कई बार मार देते, डांट देते थे। तो पहलवान गले छोटे पहलवान गले कदी को खिंच जा? हमें इस गिल तो पूरी खिंचा। अच्छा। हाँ मजा है। बिल्कुल। तो जैसे प्रैक्टिस के दौरान या मैच के दौरान कई भी भाई आप ही कैच में खड़े हो, कई वो कैच ना बन पावे, बड़े पहलवान ने छोटो रणदीप भी धमका दे? धमका दे ना, क्या कर रहा है, बढ़िया डाल चपटिया ढंग से कर। हाँ एक आधी बार करे, ज्यादा नहीं कर। ज्यादा नहीं। तो मन है कि भाई लंबी कबड्डी खेली जाए? हाँ पूरा मन। डोप डाप तो ना करेगा? ना बिल्कुल भी नहीं। क्या है ये इतने पहलवान लाग रहे करने तेरे के? ना कहीं है तो पागल है। तो इस चीज से बिल्कुल दूर है? बिल्कुल दूर। तो जैसे आपके मन में कौन सा प्लेयर बढ़िया है भाई, फलाना कैचर बढ़िया या फलाना रेडर बढ़िया, आप किसने मानो? कैचर तो विजेंद्र साजुगड़ी है मेरा पापा, और रेडर? रेडर विनय खत्री। बढ़िया लगा। हाँ आप दोनों भैया ने मतलब विनय खत्री को ही बेस्ट बताया है, तो दोनों भैया ने इतनी मेरे ख्याल है विनय खत्री का कैच मारी नहीं है? मेरा तो मैच ही नहीं आया। चलो मन ऐसा लगा रणदीप तेरे तो पहले कैच मारेगा यो। अरे भाई विनय एक बात पर्सनली आपको कहूँ, दोनों भाई आपके जबरदस्त फैन हैं, और तैयार हो जा
तेरे कैच मारने की गति तैयार हो रही है, जब तक अपने बेस्ट के कैच नहीं मारेंगे तो पहलवान क्या हुए क्यों? हाँ जी सही है, बेस्ट को कैच मारेंगे तो और ज़्यादा नाम होगा विनय खत्री का, जैसे बेस्ट को तो बेस्ट ही कहा जाएगा जी, हमारे हरियाणा में पंजाब में भी बाहर भी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं जी। तो भाई ये दोनों भाई बहुत ही बढ़िया इंसान लगे मैंने, और बढ़िया परिवार के साथ ये जुड़ रहे हैं, कबड्डी परिवार है तो इनसे मिलकर बहुत बढ़िया लग गया। तो भाई दोनों भाई बढ़िया मेहनत करो, अपने माता पिता का उनसे भी ऊंचा नाम करो, और भाई मैं चाहूँगा हरियाणा की आन बान शान छाजू गड्डी की जो टीम है वो ऐसे ही प्रदर्शन करती रहे और एकदम एक नंबर पर रहे। तो आप दोनों से मिलकर बढ़िया लगा भाई, दोनों ने जो समय दिया उसके लिए आपका तय दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जी, और समय आपने दिया मरता है जो हमने इंटरव्यू के लायक समझे, और पवन जी बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाइयों, जय कबड्डी जय हरियाणा, जय कबड्डी जय हरियाणा, जय कबड्डी जय हरियाणा। धन्यवाद भाई, थैंक यू।